दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं पार्टियों का लगता है। तभी ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती हैं, और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी करते हैं। हुए उपचुनाव में इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं, तो उसको लेकर अब ये आम चर्चा है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है, और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि आम चुनाव में जो जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से जब जनरल इलेक्शन होता है, जो पार्टी पावर में होती है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी पावर में फिर से लौट के आ जाए, दूसरी पार्टी भी आ सकती है, तो फिर वो जो सरकारी मशीनरी है वो थोड़ा घबराती है। जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से आम चुनाव में इनका जनता पर कोई ज़्यादा दबाव या डर आदि नहीं होता है, जिसे खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव तथा स्थानीय निकायों के भी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यूपी में सन 2007 में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस, बीजेपी व इनके समर्थक सभी जातिवादी पार्टियाँ ये सोचकर काफ़ी घबराने लगी थी कि यदि बीएसपी केंद्र की सत्ता में आ गई तो फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व इनके अनुयायी रहे मान्यवर श्री कांशीराम जी का भी हर मामले में अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो जाएगा, जिसे रोकने के लिए फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और कंपनी के जो लोग हैं, फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर वे पर्दे के पीछे से खासकर दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी हैं सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं पार्टियों का लगता है। तभी ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती हैं, और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी करते हैं। ऐसी लोगों में ये आम चर्चा है, जबकि हमारी पार्टी बीएसपी इसके लिए पार्टी के लोगों से बीएसपी सदस्यता आदि के जरिए अपना खर्चा खुद उठाती है,
यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। और इतना ही नहीं बल्कि फिर ये विरोधी पार्टियाँ अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके हिसाब से उनसे उम्मीदवार खड़े करवा के अब बीएसपी को कमज़ोर करने में लगी है। इसके साथ ही अब तो इन बिकाऊ में स्वार्थियों को मजबूती देने के लिए अब ये विरोधी पार्टियां अपना खुद का भी वोट ट्रांसफ़र करवा के इनके हर राज्य में एक दो एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। इसलिए ऐसे सभी बिकाऊ में स्वार्थियों की पार्टियों को अब अपने भोले भाले दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अकलियतों को भी अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना। ये सब हमें अभी हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के हुए विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। ऐसे में अब इन सभी वर्गों के लोगों को इन्हें जाति, बिरादरी, रिश्ते नातों, यार दोस्तों आदि के भी चक्कर में न पड़कर अपना वोट ऐसी किसी भी पार्टी को नहीं देना है, बल्कि अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बीएसपी को ही अपना वोट देना है, जिसकी नीतियों व कार्यशैली को इन्होंने यूपी में, यानी कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, इन्होंने यूपी में बीएसपी के, वैसे तो सर समाज के लोगों ने आजमाया है, इन्होंने यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार बनी सरकार में भी काफ़ी कुछ आजमाया है। इसके साथ साथ इन सभी वर्गों के लोग अब पुनः सत्ता में आने के लिए विरोधी पार्टियों की इन सभी साजिशों से हमेशा सावधान रहना है और आपस में भाईचारा पैदा करके अपनी पार्टी बीएसपी को हर मामले में जरूर मजबूत बनाना है तथा इनकी इन सभी साजिशों से ये लोग हमेशा सावधान भी रहें। वर्तमान में समय की यही मांग है और सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए इसकी ये खास जरूरत भी है। और अब मैं विरोधियों की इन सभी साजिशों के बीच अपनी पार्टी के लोगों ने अपने उम्मीदवारों को यहाँ उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन हुए, तो इन सभी सीटों पर अपनी पार्टी के लोगों ने अपने पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जो पूरे जी जान से कोशिश की है, तो उनका मैं पूरे तय दिल से आभार प्रकट करते हुए अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं। लेकिन इससे पहले मैं यूपी सरकार को ये भी कहना चाहूंगी, कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफ़ी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है, ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब मैं खासकर संभल के सभी लोगों से वहाँ शांति व्यवस्था बनाने के भी पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। अगर आप ऐसे वीडियो देखने में रुचि रखते हैं तो आप बहुजन मीडिया को सपोर्ट करें, जिससे हम आपको नई नई ऐसी वीडियो दिखाते रहें और आपको सही जानकारी उपलब्ध कराते हुए आपको अम्बेडकरवादी विचारधारा से लगातार अवगत कराते रहें। अगर आप अपने इस YouTube चैनल को अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो आप सिर्फ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर 18,000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने पर आप सभी क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टारगेट 20,000।